आपको आइडिया है बलदियाती इंतखाबात का, कोई नया बलदियाती निज़ाम आ रहा है? नया बलदियाती निज़ाम आएगा, लेकिन ये कि जो पहले काउंसलर चेयरमैन वगैरह हैं उनको भी कोई इख्तियार नहीं थे, इतने नहीं थे ना, कुछ इख्तियार मिले हुए थे छोटे मोटे, कुछ नहीं थे। अब आना चाहिए नया बलदियाती निज़ाम, ये तो जो भी निज़ाम आए लेकिन मुल्क के लिए बेहतर आना चाहिए। जी ऐसा निज़ाम आना चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतर हो। रश लग गया तो हम आगे चलते हैं। पीटीआई की हुकूमत आ गई है, पीटीआई कहती है कि नया बलदियाती निज़ाम लिया है, की समझते हो आना चाहिए नवा निज़ाम? आना तो चाहिए जी। हूँ के निज़ाम से बलदियाती निज़ाम से की खामियां ने? सानू तो जो कोई कमी महसूस नहीं, पहले तो सारिया खामियां ने, अजे तक तो कोई नजर आई, सीधे पद हो फिर पता चलेगा। अच्छा बलदियाती निज़ाम की गल कर रहा मैं, यूसी चेयरमैन कि इख्तियार है या मेयर तड़े को किन्ने इख्तियार है? अच्छा मैं यह दसो कि तुम मुशरत का दौर भी याद होगा, उदो यूसी नाजम भी हो गए थे, अजले नाजम भी सी, उदो बहुते काम हुए थे या हूँ उदो बहुते हुए थे? इनका मतलब कोई ना कोई खामी हैगी तो चेंज होना चाहिए फिर। होना चाहिए ठीक है जी। आप बताएं क्या समझते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट कहती है नया कानून पास करेंगे हम बलदियाती निज़ाम के हवाले से, नया बलदियाती निज़ाम क्यों लाना ज़रूरी है उनके लिए? हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है अभी तक लाना। आपका यूसी कौन सी आपकी है? शहबाज अदर है। यूसी कौन सी है, यूसी का नंबर नहीं आ रहा? 68 है मेरे ख्याल से। 68 है मेरा ख्याल। काम कराते हैं यूसी चेयरमैन आपके? ये यूसी चेयरमैन का काम ये है कि आप सड़क देखेंगे, सामने सड़क आए गली में आपको दिखाता हूँ, मोहल्ले दिखाते हैं, 15-15 दिन कूड़ा लगा रहता है। खालिद भट्ट मुनवर साहब है, वो बेचारे अपनी जेब से पैसे देकर काम कराते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, आपको बताऊँ कि यूसी चेयरमैन को 3 लाख रुपये मिलते हैं सिर्फ? 4 लाख रुपया महीना। 4 लाख रुपये जी, लाख रुपया चेयरमैन ले जाता है, 50,000 भाई चेयरमैन ले जाता है। तो ये निज़ाम चेंज होना चाहिए। 1,000 रुपया जकात पूछा जाता है महफिल मिलाद का हर महीने का, वो एक देख पका के कभी कभार 4 भाइयों को खिला के महफिल मिलाद हो जाता है, वो कोई चक्कर नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए? जाहिर बात है होना चाहिए, होना चाहिए। आपको आइडिया? आइडिया ठीक है, जो भी मतलब निज़ाम हो रहा है कुछ बेहतर होएगा इंशाल्लाह, जो भी आदमी आता है। तरीके साहब कहती है कि हम यूसी चेयरमैन को बलदियाती नुमाइंदों को इतना बाइख्तियार बनाएंगे कि आवाम को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवाम की गली के मोहल्ले के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। वो हल किधर होएंगे जी, और जो मतलब है अभी ये देखे ना वो ड्रम भरे हुए हैं, रोज टेलीफोन करते हैं, इधर हमारी वर्कशॉप है, ये टेलीफोन करते हैं जी बदबू आ रही है, कस्टमर आके बैठते हैं तो तंग आ जाते हैं। निज़ाम चेंज होना चाहिए, निज़ाम चेंज तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है जी, ये निज़ाम चेंज होना चाहिए। और इन्होंने कूड़ों करकट की बात की तो मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पे कूड़े के जो ड्रम पड़े हैं उसके अलावा भी साइड पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो ये निज़ाम चेंज होना चाहिए। और जो सीनियर वज़ीर बलदियात हैं उनको मीटिंग्स तो कर रहे हैं बड़ी, लेकिन उनको अमले तौर पर काम करके कुछ दिखाना भी चाहिए, और ज़रा कम से कम इस तरह के जो मसाइल हैं जहाँ से बदबू आती है वो तो हल होने चाहिए जल्दी से। आपके जो बलदियाती इदारे हैं जिस तरह आपके यूसी का चेयरमैन है, मेयर आपका लाहौर का, इनके पास इतने इख्तियार हैं कि आपकी गली मोहल्ले के मसाइल हल करते हैं? सर ये तो लोग हमेशा अपने काम करते हैं, लोगों को तो आप गोलियां करवाते हैं ये लोग। अच्छा हाँ, गोलियां करवाते हैं आप अपना, इनका यूसी का चेयरमैन है, यूसी का कोई काउंसलर है, उसके आप घर के नज़दीक देखे क्या कुछ बना हुआ है। अच्छा लेकिन आप दूसरे लोगों के घर के पास देखे उनको रिक्वेस्ट भी करें, सही सुबह होता है शाम को होता है, बस इस तरह शाम गुजर जाए। निज़ाम चेंज होना चाहिए? नहीं डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, बंदों को काम करना चाहिए, जो फंड आते हैं इनको यूटिलाइज करना चाहिए। सर फंड बड़े कम आते हैं, 3 से 4 लाख रुपये आता महीने। सर नहीं गलत कहते हैं, इतनी तो इनको सैलरी आ जाती है जो बिला वजह इनको मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा जी कहते हैं कि सैलरियाँ भी मिलती हैं, पैसे भी आते हैं, फंड आते हैं, लेकिन फंड लगते नहीं है और अपने अपना जो घर है उस पर लग जाते हैं। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। हाथ तो मिला लें यार। आपको है आइडिया कोई बलदियाती निज़ाम का? बलदियाती निज़ाम का है, कुछ बहुत काम होते भी हैं और नहीं भी होते, ज़्यादातर ये जो बिजली का मसला है ना यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है, वो मोहल्लों में। अच्छा चलें, बलदियाती जो निज़ाम है ना नई हुकूमत चाहती है कि चेंज हो, बाय इख्तियार हम बना दें मेयर को, डिप्टी मेयर को, आपके काउंसलर्स को, चेयरमैन को, क्या सही कहते हैं पाकिस्तान तरीके साहब वाले? जी बिल्कुल सही कहते हैं, अगर जब तक बलदियाती निज़ाम खुद इनके ऊपर नहीं होता, इनको फंड नहीं मिलते, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। तो बलदियाती निज़ाम ठीक होना चाहिए, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर चेंज नहीं आएगा। सामने तो क्या हाल है? ठीक है बिल्कुल। बलदियाती निज़ाम अब कैसा चल रहा है, ये जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में बलदियाती इंतखाबात में इख्तियार हैं नुमाइंदों के पास? देखिए जनाब इख्तियार इनके पास कोई नहीं है। अच्छा मियाँ नवाज शरीफ साहब ठीक आदमी थे, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो सही आदमी नहीं है। अच्छा उन्होंने अपने चेयरमैनों को काउंसलर को कोई इख्तियार नहीं दिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हैरान कन बात है कि पाकिस्तान में 25 महकमे उसने अपने पास रखे,
और अपने इख्तियार का इस्तेमाल किए, एक पुलिस वाले की ट्रांसफर करनी है वो करेगा, किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया। इनके MPA भाग गए हैं, बलदियाती जो है इनके मेंबर आने हैं वो सब भाग के, किसी ने पान की दुकान खोल ली है, किसी ने फ्रूट की दुकान खोल ली है। अच्छा, क्या करें? मुझे अब ये बताएं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत पहली दफा बनी है पंजाब में। जी जी, वो कहते हैं कि जी हम ये कानून जो है बलदियाती इंतखाबात का, इसको हम चेंज करेंगे, नया बलदियाती निज़ाम लेके आएंगे जिसमें इख्तियारात होंगे सबके पास। जी जी, सही कहते हैं वो? बिल्कुल सही कहते हैं वो। निचली सतह पे जब इख्तियारात आएंगे तो हम जैसा आम आदमी, मैं SDO हूँ, रिटायर्ड आर्मी स्टार में ग्रेड का, आप ये सोचें कि नवाज शरीफ हुकूमत में मैंने इतना टैक्स दिया, मेरे पास रसीदे हैं, कभी एक ईंट भी मेरे घर के बाहर नहीं लगाई। आप मुझे ये बताएं, कोई अच्छी उम्मीद है? इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी उम्मीद है, नीचे इख्तियारात आए, काउंसलरों के पास आए, चेयरमैनों के पास। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी बात की जी कि बलदियाती जो है नुमाइंदे इनके, उनके पास इख्तियारात आने चाहिए और जब इक्तदार और पावर्स नीचे तक जाएंगी तभी आवाम के मसाइल हल होंगे। बलदियाती निज़ाम समझते हैं, कुछ आपको समझ बूझा है? इस निज़ाम में कोई खामी नजर आती है आपको? क्यों नहीं है, खामी है। क्या खामी है? एक्चुअली हामी ऐसी है कि अभी हम ना एक तो नए सेटअप की तरह जब जा रहे हैं ना, तो हम ये नहीं आइडेंटिफाई करना चाह रहे कि हमारी जो डायरेक्शन थी उसके मुताबिक हमारी जो कम्युनिटी है उसको अंडरस्टैंड कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही। जस्ट हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं नो डाउट वो हमारे सामने हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम के लिए जो रूट काज हमने लेके आना है ना, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है किसी के पास। जो आइडेंटिफिकेशन कहता है, जो एक रूट काज देता है, यार इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं और ये इसका सलूशन निकालते हैं। बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट की, आपके जो बलदियाती नुमाइंदगान होते हैं, यूसी का चेयरमैन हो गया, नाजम हो गया आपका, अब तो चूंकि मेयर हैं और डिप्टी मेयर हैं, उनके पास क्या इख्तियारात हैं, आप क्या समझते हैं? उनके पास यहाँ पे कोई इख्तियारात नहीं है। पाकिस्तान तरीके साहब कहती है कि आप नया निज़ाम लेके आएंगे, सही कहते हैं वो? देखिए वो जो कह रहे हैं ना, नया निज़ाम लेके आएंगे, लेके आए इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ऐसा चेक एंड बैलेंस हो कि उनको भी पता हो कि यार अगर मैंने ये काम करना है तो मुझे इसका फीडबैक देना है और इसके ऊपर भी कोई सिस्टम बैठा है जो मुझे चेक कर रहा है। अगर आप इंडिविजुअली हर किसी को एक पावर दे रहे हैं ना, अगर उसका एहतसाब नहीं कर रहे तो डेट आई थिंक वो जो पावर है वो। अच्छा, अब्दुल अलीम खान साहब कह चुके हैं ये भी कि ऐसे नुमाइंदे होंगे बलदियाती नुमाइंदे कि हम उनका एहतसाब भी करेंगे, उनके ऊपर नजर भी रखेंगे हम। सर देखिए, कहने में तो फिर हम बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि यार उसने फलाने ने ये कहा ये कर देगा, इसका कुछ नहीं है। मुशर्रफ के दौर में आपके जिले नाज़िम थे और यूसी के नाज़िम थे, तब निज़ाम मैंने देखा था, मैंने ये देखा हुआ है कि उनके पास उन्होंने कोई काम करवाया नहीं करवाया, लेकिन ये था कि उनके पास 10 बंदे 20 बंदे इकट्ठे होकर जाते थे, अपने प्रॉब्लम्स को बता देते थे। वो क्या होता है, 10 में से 2 का काम शायद हो जाता हो, 100% नहीं होता होगा, ठीक है, लेकिन इस निज़ाम में अगर ये लेके आते हैं ना ये निज़ाम, इसमें अगर 10 और 20 बंदे जाते हैं, अगर उनका काम नहीं होता तो उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी मुश्किलात को जाके वहाँ रिकॉर्ड करवाएं और फिर उसका फीडबैक लिया जाए, यार ये 10 बंदे आए थे या 20 बंदे आए थे, इन्होंने ये काम करवाया। आप बेसिकली चाहते हैं कि निज़ाम चेंज होना चाहिए और होना चाहिए। बैलेंस हो। बिल्कुल। अच्छा जी, मुद्दा ये कि निज़ाम चेंज होना चाहिए बलदियाती निज़ाम जो है पाकिस्तान तरीके साहब ने जिसकी जानब एक कदम रखा है, लेकिन साथ ही साथ आवाम का ये भी कहना है कि जी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी उन पर लाजमी होना चाहिए। सलामकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बड़ा मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ जी बलदियाती इंतखाबात पे आज। जी जी, बलदियाती निज़ाम पे, बलदियाती निज़ाम क्या समझते हैं? पाकिस्तान तरीके साहब गवर्नमेंट कहती है अब नया बलदियाती निज़ाम लाएंगे जहाँ पे आपके यूसी चेयरमैन या जो भी निज़ाम लाएंगे उनके पास वो बा इख्तियार होंगे नुमाइंदे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह आजकल आपने जो अभी बात एक्सप्लेन की है कि नई हुकूमत का ये व्यूज है कि बलदियाती इंतखाबात में चेंजिंग है, इनके सिस्टम में तब्दीली, बलदियाती निज़ाम। हाँ, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये इमरान खान की हुकूमत का या उनका ये जो कहना है ये दुरुस्त है कि पहले जो सिस्टम बाजी में जो बलदियात का चल रहा है वहाँ पे जो लोग ये चेयरमैन और ज़िला लेवल पे सारे वो ऊपर से जो है ना सारा जो सिस्टम जो जिस मकसद के लिए उनके पास है ऊपर जिस मकसद के लिए ये बलदियात में इंतखाब होते हैं वो प्रॉपर जो आवाम है आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वो रिलीफ क्या है? रिलीफ यही है कि आवाम की बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक जो उनकी डेवलपमेंट की ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती। नहीं होती ना, फंड का मसला होता है, फंड ऊपर से आता है और नीचे आते आते तक वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कमीशन चल जाती है। तो फंड डायरेक्ट आने चाहिए, फंड डायरेक्ट होगा और डायरेक्ट होने के साथ साथ उसका चेक एंड बैलेंस होगा।
ठीक है, उसका जो सिस्टम बनाया है, कोई बड़ा अच्छी उम्मीद है कि अच्छा सिस्टम नहीं, ये बिल्कुल अच्छी उम्मीद है। और ये अगर आप थॉरली इसको व्यू करें तो पूरे वर्ल्ड में ये अदर कंट्रीज में ये निज़ाम चल रहा है और कामयाब। ठीक है जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि जी जो भी निज़ाम आएगा वो कामयाब निज़ाम हो और आवाम के जिस तरह बात की कि इनके मसाइल हल नहीं होते हैं तो मसाइल हल होने चाहिए। क्या हाल है, हाथ मिला है? ठीक है, आप वोट दिया था? वोट दिया था। किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। पीटीआई को, पीटीआई की हुकूमत कहती है नया बलदियाती निज़ाम आना चाहिए। जी जी बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए जी। क्यों? करप्ट नासर हैं बलदियाती निज़ाम में, या कई तो ऐसे जनरल कौंसलर वगैरह दूसरे नुमाइंदे ऐसे जिनको इख्तियार की मुंतकिल ही नहीं हुई। अच्छा, इख्तियार तो उनके पास आए नहीं, इसलिए एक नया सेटअप आना चाहिए, उनको इख्तियार मिलने चाहिए, इख्तियार की ट्रांसफर जो ऊपर से नीचे होनी चाहिए। अभी नहीं है वो, अभी नहीं है वो। आप बताएंगे क्या कहते हैं, नया निज़ाम आना चाहिए बलदियाती निज़ाम? देखें, जैसे नई हुकूमत ने दूसरे भी कई कई कामों में वो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, तो इसी तरह हमारा बलदियाती निज़ाम भी ये मुतकाजी है इस चीज़ का कि इसमें रिफॉर्म्स लेके आए जाएं और इसमें तब्दीलियां लेके आई जाएं, ऐसी तब्दीलियां जिनके असरात और जिनके समरात मुझे बात समझ आ गई। अब ये बताएं खामी क्या लगती है इस निज़ाम में आपको? इस निज़ाम में एक्चुअल में मसला ये है कि मोहल्ले की सतह पर या यूनियन काउंसिल की सतह पर जो मसाइल आवाम के हल होने चाहिए वो उस लिहाज से हल नहीं हल नहीं होते। उसकी वजह क्या, क्यों नहीं हल होते? जिस तरह से हो जाने चाहिए, वजह उसकी यही है कि निज़ाम नाकिस है, निज़ाम में प्रॉब्लम्स हैं, वो नकायस अगर दूर होंगे आवाम को रसाई हासिल होगी अपने नुमाइंदों तक तो अपने गली मोहल्ले तो और मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे और समरात जो है इस निज़ाम के आवाम को मिलेंगे। तो आप चाहते हैं कि ये सिस्टम चेंज हो जाए, अच्छी चेंजेस होने चाहिए। ठीक है जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो एक ऐलान कर दिया है कि नए बलदियाती निज़ाम वो मुतारिफ़ कराएंगे और आवाम का भी यही कहना है, मिले जुले जो तासरात हैं वो हमें सुनने को मिल रहे हैं। एक फैमिली हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भाई क्या हाल है? खालिद जी क्या है? ठीक ठाक, कुछ नहीं गाल करनी, वो कह रहे हैं वो डर रहे हैं आपसे। चले कोई बात। अच्छा मुझे बताएं, खवातीन बड़ी ज़्यादा ना सियासत में हो गई हैं, आप वोट भी देती हैं। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि जो आपके बलदियाती नुमाइंदे होते हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक होता है जिसके तहत आपके यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जो होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, आपकी गली मोहल्लों के काम, वो काम हुए हैं आपकी गली मोहल्लों में इस दौर में या नहीं हुए? मैं तो समझती हूँ कुछ भी नहीं। आपने वोट दिया था? मैंने एक्चुअली वोट तो वाकई देना था और इमरान खान को ही देना, निकले तो मेरे शख्सियत गुम हो गई। चलें कोई बात नहीं, मेरी नीयत थी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब कहते हैं नई गवर्नमेंट जो कि पंजाब में उनकी, वो ये जो बलदियाती निज़ाम है ना इसको चेंज करना चाहते हैं। हाँ। आप क्या समझती हैं बलदियाती निज़ाम को चेंज होना चाहिए? मैं तो समझती हूँ इसलिए चेंज की कुछ भी नहीं कर रहे, साफ सी बात, कुछ भी नहीं कर रहे। बॉटम लाइन ये है कि कहती है कि बलदियाती नुमाइंदे जो है वो काम नहीं करते हैं और सिस्टम नया आना चाहिए। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं पेशावर से। एक बात और करना चाह रही हूँ मैं, आप ये जरूर उनको कहें कि देखें एक तो इतनी लाइट जा रही है और बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, हम आम लोग हैं, ये देखें हम तो इस उम्मीद पे थे कि चले नई हुकूमत कुछ चेंज आएगा, कोई ये सारा माहौल चेंज होगा। आप यकीन करें मैं खुद इमरान खान के साथ हूँ, मैं ज़ाती तौर पे आपको सच कह रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं इतनी परेशान हूँ, इतना बिल घर के कि हम दो फ्राद हैं या जो भी हैं तो बिल इतना ज्यादा। और खान साहब, खवातीन ने आपको वोट दिया, इस खातून की मैंने गुफ्तगू आपसे कराई बराह रास्त हमारे तवसुत से, और कहती हैं कि प्लीज़ खुदारा अभी जो आप पे आपके पास एक आया भी है, समरी आई है नेपरा की जानब से कि जी बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए तो इजाफा ना कीजिएगा, इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरें। भाई पेशावर में बलदियाती निज़ाम के बड़े चर्चे सुने हमने, जी जी, तो मुझे ये बताएं कि पंजाब में आप यहाँ पे कितनी देर से रह रहे हैं? हम तकरीबन 5-6 साल से, 5-6 साल से। यहाँ का बलदियाती निज़ाम कैसा है? इंशाल्लाह अभी बलदियाती निज़ाम ठीक हो जाएगा, ये नया गवर्नमेंट है, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, अभी वाला तो सही नहीं है। नहीं अभी सही है इंशाल्लाह, मुतमईन है लोग। नहीं नहीं अभी जो निज़ाम चल रहा है पुराना चल रहा है ना फिलहाल। जी जी, नई गवर्नमेंट कहती है हम नया निज़ाम लेके आएंगे, तो इसमें क्या खराबी लगती है आपको? इसमें खराबी नहीं है, लेकिन अभी इंशाल्लाह चेंजिंग आ रही है, काम हो रहा है इंशाल्लाह, पीटीआई वाला कर रहे काम, हमने वोट जो है वो पीटीआई को दिया, वोट उन्होंने पीटीआई को दिया। ओवरऑल बात कर रहे हैं कि जी अब चूंकि गवर्नमेंट एक नई आई है तो हर चीज़ नई होगी और बड़ी अच्छी होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की है बलदियाती निज़ाम की, मौजूदा बलदियाती निज़ाम जो चल रहा है और नया बलदियाती निज़ाम जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ लाना चाहती है। हमने आपको मुलाकात कराई सीनियर वजीर और जिनके पास कलमदान है बलदियात का भी, अब्दुल अलीम खान साहब से, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि बहुत जल्द वो एक आवाम को नई खुशखबरी देंगे, ऐसा निज़ाम लेके आएंगे कि आवाम के मसाइल जो हैं वो उनकी दहलीज पर हल होंगे और एम्पावर करेंगे वो तमाम बलदियात इदारों को। हम आवाम में भी आए, आवाम कई ऐसी मिली आवाम की जिसको पता ही नहीं
نہیں ہے، بلدیاتی انتخابات ہوتے کیا ہیں، بلدیاتی نظام ہوتا کیا ہے، بلدیاتی نظام کی پیچیدگیوں کو وہ نہیں جانتے. البتہ ایسی عوام بھی ہمیں ملی، کچھ لوگوں نے کہا کہ جو بلدیاتی نظام اب چل رہا ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن کچھ افراد نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یو سی چیئرمین کے پاس فنڈز جو ہیں وہ بہت بڑے کم ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے ہیں. البتہ عوام کو امید یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی نئی گورنمنٹ نے دعوے کیے ہیں، وعدے کیے ہیں کہ ایک ایسا بلدیاتی نظام لایا جائے گا جو عوام کا سوچے گا، بلدیاتی نمائندوں کو با اختیار بنایا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا، انتظار سب کر رہے ہیں کہ کیسا نظام لاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین. اور مسلم لیگ نون کی حکمت عملی بھی اس پہ واضح ہے کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ اس کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، اور یہ بھی وقت ہی بتائے گا کہ نیا آنے والا بلدیاتی نظام کس طرح کا ہے. ہم آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کے پروگرام میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.